21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और इसी कड़ी में ईएसआई हॉस्पिटल रोहिणी में 7 जून से लेकर 21 जून तक कामगारों के लिए योग पखवाड़ा समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य वार्ता, स्वच्छता अभियान और योग प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस दौरान अस्पताल की साफ सफाई भी की गई। हम मौजूद हैं दिल्ली रोहिणी के ईएसआई हॉस्पिटल में, जहां पे 7 से 21 जून तक योग पखवाड़े की शुरुआत की गई है। डॉक्टर रचिता हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके का प्रोग्राम यहां पे रखा गया है और क्या क्या इस पखवाड़े में ये करने वाले हैं। मैम, जो ये योग दिवस बनाया जा रहा है, योग पखवाड़ा बनाया जा रहा है, किस तरीके का इसकी रूपरेखा है? तो जैसे आप जानते हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो उसके उपलक्ष्य में ईएसआई एक पखवाड़ा बना रही है 7 तारीख से 21 तारीख तक। तो जिसमें हमारा फोकस सबसे ज़्यादा रहेगा योगा पे और स्वच्छता पे। तो 7 तारीख को हमारे माननीय श्रम मंत्री जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था और ऑल इंडिया पूरे अस्पताल और रीजनल ऑफिसेज SRO सब ने ज्वाइन करके हमने योगा एक साथ स्टार्ट किया था। अब हम प्रतिदिन अपने फैक्ट्रीज़ में जा कर के वहाँ पे हमारे जो वर्कर्स हैं उनको हम योगा कराते हैं, क्योंकि योगा से भी उनकी बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, जैसे फैक्ट्री में काम करने में पोजीशन के है, सांस की बीमारियाँ होती हैं, वो सब योग से उनको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही इंडस्ट्रियल सेटअप्स पे हम लोग हेल्थ चेकअप कैंप्स कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे हॉस्पिटल के हर डिपार्टमेंट का डॉक्टर जाता है और वहाँ पे उनके वर्कर्स का हेल्थ चेकअप होता है और बेसिक इन्वेस्टिगेशंस भी की जाती हैं। उसी तरह हॉस्पिटल के अंदर भी हेल्थ चेकअप कैंप है, तो जिसमें कि ना कि मरीज़ बट कि जो रिश्तेदार आता है या वैसे भी कोई अपना चेकअप कराना चाहता है तो वो हेल्थ चेकअप कैंप हो रहे हैं। अपने स्टाफ के लिए और जो रिश्तेदार आते हैं उनके लिए हम योगा सिखा रहे हैं, उनको 1 से 2 के बीच में अस्पताल में डेली योगा होगा। इसके अलावा OPD में हेल्थ टॉक दी जाती हैं, बेसिक चीज़ों के ऊपर लोगों को सिखाया जाता है हाइजीन के बारे में, बेसिक बीमारियां किस तरह से उनसे बचाव किया जाए, कैसे अर्ली डिटेक्शन है जैसे कि जल्दी पता चल जाए बीमारियां, गायनी वाले जैसे बेसिकली कोई गर्भवती महिला है तो क्या खान पान रखना है वो करना है।